दोस्तों, अगर आप इंटरनेट की स्पीड चेक करना चाहते हैं, मतलब अगर आप इंटरनेट जो यूज करते हैं अपने मोबाइल में या अपने पीसी में, तो आप अगर उसकी स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं अपने उस मोबाइल से या उस अपने पीसी से जिसमें आप इंटरनेट चला रहे हैं, उससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं कि इस जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उसकी अपलोडिंग की स्पीड क्या है और डाउनलोडिंग की स्पीड क्या है। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, बताने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आशीष पर 500 रुपये का फ्री पेटीएम गिववे चल रहा है। तो दोस्तों, आप उस गिववे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आपको वीडियो को लाइक कर देना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना पड़ेगा और सिंपली एक आपको कमेंट करना होगा। कमेंट बहुत ही ज़रूरी है, लाइक भी बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तीन काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ एक ही कमेंट करना है और कमेंट में आपको मोबाइल नंबर या पेटीएम नंबर नहीं देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी मैं क्रिएटिविटी करूंगा वो आपको बगल में स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में चेक करना चाहते हैं तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। अगर आप लैपटॉप में इंटरनेट स्पीड चेक करना चाहते हैं तो लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर सर्च बार में सर्च करना है OOKLA ओकला स्पीड टेस्ट नाम से सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। स्पीड टेस्ट पर आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको ऊपर राइट साइड में एक थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। थ्री डॉट के ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट के आगे एक बॉक्स बना रहेगा, उसी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, बीच में छोटा सा दिख रहा होगा, गो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। छोटा सा दिख रहा है बगल में, पर अभी कुछ देर में बड़ा हो जाएगा। गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन स्पीड दिखाएगा, डाउनलोड की स्पीड दिखाएगा, फिर उसके बाद आपको दिखाएगा अपलोडिंग की स्पीड दिखाएगा। देखिए, डाउनलोडिंग की अलग स्पीड होती है और अपलोडिंग की अलग स्पीड होती है, ठीक है। तो जैसा कि आप बगल में देख पा रहे होंगे कि डाउनलोडिंग की स्पीड क्या है और अपलोडिंग की स्पीड क्या है। तो दोस्तों, मैं ये जो जानकारी आपको दिया हूँ वह कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद आशीष को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहा।